नमस्कार, बिजनेस लंच में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की यहां पर आगे चलते हैं और इस वक्त बात करते हैं रॉयल ऑर्किड के मैनेजमेंट से। मिस्टर बालजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर बालजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी अच्छा डिमांड एनवायरमेंट अब तक चल रहा था, लेकिन बातें यहां पर उठने लग चुकी हैं ऑलरेडी कि शायद जो जिस तरह की ग्रोथ अभी तक हम देख रहे थे वो आगे नहीं दिखे। क्या आपको ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि आपका बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है? हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है, पर क्या हो रहा है कि हमारे कंपनी में काफी होटल भी अभी नए होटल भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी टर्नओवर की ग्रोथ तो कंटिन्यू करेगी। इस साल हमारे काफी होटल जो लाइक जयपुर का होटल खुल गया है, हैदराबाद का होटल अभी खुलने वाला है, तो टर्नओवर की हमारी ग्रोथ रहेगी साल को। टर्नओवर की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने कहा आप काफी सारे एडिशंस कर रहे हैं, कितने रूम्स ऐड करेंगे आप इस साल? अभी इस साल तकरीबन उम्मीद है 500-700 कमरे ऐड करने की। कुछ कमरे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि 600-700 कमरे और हम ऐड कर दें इस साल। अभी एवरेज रूम रेट्स का क्या हाल चल रहा है फिलहाल? रूम रेट का देखो, अगर आप रेव पार देखिए तो इस क्वार्टर का दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड एआरआर मिला के, तो सिर्फ पूना मार्केट में हमारा जो रेव पार है वो कम हुआ है, बट अदरवाइज बाकी सब मार्केट्स में हमारा रेव पार पिछले साल के इस क्वार्टर से बेटर ही रहा है। ओके, ऑलराइट मिस्टर बालजी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है इस वक्त, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर रॉयल ऑर्किड का मैनेजमेंट बताता हुआ कि क्योंकि रूम एडिशंस हैं इसलिए रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई देगी उनको, और अभी फिलहाल एवरेज रूम रेट्स पर ज्यादा असर नहीं दिखा है। सिर्फ पुणे में उन्हें थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, लेकिन बाकी सब जगह वो मेंटेन कर पाए हैं अपने रूम रेट्स। यहाँ पर मुनाफे भी हमने देखा कि एक बेहतर परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आई थी, आय के टर्म्स में जरूर बेहतर परफॉर्मेंस थी। मुनाफा 77% नीचे आया था, लेकिन आय में करीब 13.5% के आसपास की बढ़त दिखाई थी रॉयल ऑर्किड होटल्स में। नो योर कंपनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आ रहे हैं आखिरी सौदा।